आपने अब तक कई रहस्यमय जगहों के बारे में सुना होगा, इनके बारे में कई कहानियां भी पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी आप अभी तक इन रहस्यमय जगहों के बारे में नहीं जानते होंगे। वैसे बारमूडा ट्रायंगल की हैरान कर देने वाली कहानियां आपने बहुत सुनी होगी। अब जानिए दुनिया में मौजूद ऐसे ही और जगहों के बारे में जो आज भी रहस्यमय बनी हुई है। नाजा का रेगिस्तान, दक्षिण पेरू। पेरू में मौजूद इस रेगिस्तानी सतह पर ऐसी संरचनाएं बनी हुई है जो आपको चौंका सकती है। इसमें से कुछ इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा वहाँ सीधे रेखाएं खींची दिखाई देती है। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से ऐसे ही मौजूद है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ तौर पर देखा। इसके पीछे का रहस्य, सवाल उठता है कि इतनी पुरानी संरचनाओं को किलोमीटरों तक आदिवासी समुदाय ने कैसे गाड़ा होगा और इसका क्या मतलब है। इसका कोई साफ उत्तर मौजूद नहीं है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आई यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते इस सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। रेस्ट्रिक्ट प्लाया, डेड वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर 6 करोड़ पत्थर मौजूद है। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद है। कुछ पत्थर ऐसे मौजूद है जैसे वो घिसते हुए आगे बढ़े हैं, उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके पीछे का रहस्य, किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घिसटने के सबूत नजर दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देते हैं। लोग संभावना जताते हैं कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह मौजूद है। ये आज भी रहस्यमय बना हुआ है। ब्लड फॉल, टेलर ग्लेशियर अंटार्कटिका। सफेद बर्फ के ग्लेशियर से अगर लाल खून जैसा पानी दिखाई दे तो दृश्य वाकई हैरान कर देने वाला होगा। ये कोई करी कल्पना नहीं बल्कि अंटार्कटिका में मौजूद टेलर ग्लेशियर की हकीकत है। इसके पीछे का रहस्य, वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे की हकीकत कोई खून नहीं है। दरअसल माना जाता है कि ये भूमि लोह युक्त है और खारे पानी की झील से घिरी है। जब दोनों पदार्थ आपस में टकराते हैं तो लाल रंग का केमिकल तैयार होता है। हालांकि ये लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।